हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे के फर्रे, पिट्ठा और बगिया। बनाने की रेसिपी। बनाने के लिए 125 ग्राम हम चना दाल लेंगे और इसे रात भर भिगो देंगे। भिगोने के बाद इसे अच्छे से धो लें और साफ़ कर लें। मसाला जो हम फर्रे में यूज़ करेंगे, 2 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, सब स्वाद अनुसार ही लेना है। और थोड़ी सी हम गोल मिर्च पाउडर लेंगे, 2 से 3 चुटकी। जीरा फ्लेवर्ड के लिए, टेस्ट अच्छा आता है। 6 कलियां मैंने लहसुन की ली है, अच्छे से छील लिया है, साफ़ कर लिया है। और अदरक। दाल पीसने के लिए सबसे पहले मैंने एक मिक्सर जार लिया है। मिक्सर जार में हम सबसे पहले मसाले मिलाएंगे। गोलकी पाउडर मैं डाल रही हूँ। उसके बाद हम डालेंगे अदरक, लहसुन की कलियां, लाल मिर्च, हरी मिर्च और लास्ट में मैंने यूज़ किया है जीरा। सभी मसालों को लेने के बाद हम लेंगे चना दाल। चना दाल को हम बिना पानी के पीसेंगे। अगर आपको पानी लगती है तो 1-2 चम्मच यूज़ करें। चना दाल मैंने पीस लिया है और बारीक नहीं पीसना है, थोड़ी दरदरी पीसनी है। तो हमारा दिख रहा होगा आपको चना दाल पीस के। अब हम किसी भी बाउल में इसे निकाल लेंगे जिसमें हम सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर सके। आइए अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे मैंने थोड़ी हींग पाउडर ली है, थोड़ा हींग फ्लेवर आने के लिए। दाल और मसाले को अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम लेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता ऑप्शनल है, मैंने टेस्ट के लिए लिया है। और अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने 250 ग्राम आटा लिया है, गेहूं का आटा है ये। अब हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर आने के लिए, योलोइस। और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट डालेंगे। नमक कम ही डालना है क्योंकि पहले से भी डाला है। अब मैंने पानी यूज़ किया है आटे सानने के लिए। आटा थोड़ा टाइट सानना है, मतलब थोड़ा कड़ा सानिएगा। मेरा आटा सन के रेडी है। 10 मिनट के लिए मैंने आटे को छोड़ दिया है। आटा 10 मिनट में फूल जाएगी। अब हमारा आटा फूल गया होगा। चलिए अब हम लोई बनाना। रोटी से थोड़ी बड़ी हम लोई लेंगे और लोई को अच्छे से हम इस पे बेल लेंगे। बहुत पतली बेलनी है, ना मोटी बेलनी है, मीडियम बेलना है। बेलने के बाद हम इसमें फिलिंग को डालेंगे जो हमने चने दाल से बनाया है। आप अच्छे से इसे डाल ले। आप इसे खोल कर भी बना सकते हैं फरे, बट मैं सील करके बनाने वाली हूँ। सील करने की वजह से दाल बाहर नहीं आता है, ना पानी उसके अंदर जाता है। अब हम अच्छे से इसे किनारे किनारे से दाब कर सील कर लेंगे। ये सारे फर्रे बनके रेडी हैं। हम कढ़ाई में पानी डालेंगे जिससे हमारे सारे फर्रे डूब जाएं। आप 5 गिलास पानी लिया है मैंने। अब पानी मेरा बॉयल हो चुका है। अब इसमें सारे फर्रे डालेंगे और बॉयल होने देंगे। कुछ देर के लिए हम इसे ढक देंगे, 2 से 3 मिनट। टोटल फर्रे 10 मिनट ही बनाना है हमें। अब हमारा फर्रे बन के अप्रॉक्स रेडी है। अब ढक्कन हटाएंगे और देखिए हमारा फर्रे बन चुका है। अब इसे हम अच्छे से किसी भी स्ट्रेनर में निकाल लेंगे जिससे सारी पानी निकल जाए और हवा लग जाए। तो आटा के फर्रे रेडी हैं, जिसे आप बगिया बोलते हैं। रेडी टू सर्व, रेडी टू ईट।